जय जनशक्ति से मैं राहुल निमेश आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग थंबनेल देख पा रहे होंगे, क्या यह चाइना लोन ऐप है? मिलियन प्लस लोगों का डेटा पहुंचाया चाइना में। आपको इसको समझने के लिए, इसकी सच्चाई जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना है। अगर आप वीडियो को कहीं से भी स्किप करते हैं तो आपको इनकम्प्लीट जानकारी मिलेगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें, और वीडियो देखने के बाद ही आप वीडियो को अच्छी लगती है तो लाइक करें, अदरवाइज डिसलाइक करें, और कमेंट करके आप अपनी राय हमें ज़रूर दें। तो चलिए, हम आपको लेकर के चलते हैं गूगल प्ले स्टोर पर और बताते हैं आपको इस ऐप के बारे में। सब्सक्राइब करें जय जनशक्ति यूट्यूब चैनल को, और साथ ही दबाएँ इस बेल आइकन को, ऑन करें ऑल नोटिफिकेशंस को, और पाएँ लेटेस्ट वीडियोज़ का अपडेट सबसे पहले। फ्रेंड्स, जैसे कि हम गूगल प्ले स्टोर पर आपको लेकर के आ गए हैं, और अगर मैं इस ऐप के डाउनलोडर्स की बात करूं तो देखिए, इस ऐप के जो डाउनलोडर है वो 1 मिलियन से भी ज़्यादा इस ऐप के डाउनलोडर हैं। और अगर हम इसकी फाइल साइज़ की बात करें तो 11 MB के समथिंग इसका फ़ाइल साइज़ है। और अगर हम इसके रेटिंग की बात करें तो वही 4.4 का इसको रेटिंग मिला हुआ है। और अगर मैं इसके अबाउट सेक्शन की बात करूं तो देखिए, जो सभी घटिया लोन ऐप जो हैं ये अबाउट सेक्शन में लिखती हैं, जैसे कि इसने भी लिखा है 3,000 से लेकर के 10,000 रुपये तक का लोन प्रदान कराएगी आपको ये, और ये 91 दिन से लेकर के 180 दिन का टेन्योर आपको प्रदान कराएगी। यही सारी बातें हैं जो घटिया घटिया तरीके से ये अपनी ओवर प्रोमिसिंग करते हैं ग्राहक के साथ में, गलत तरीके से लिखते हैं, वही इन्होंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है। और फ्रेंड, जैसे कि इन्होंने अपने अबाउट सेक्शन में भी लिखा हुआ है इस तरीके का, अगर ये आपको इस तरह से जो अबाउट सेक्शन में लिखा गया है उसके आधार पे आपको ऋण प्रदान नहीं कराती हैं, तो आप ओवर प्रॉमिस के लिए कंज्यूमर कोर्ट विजिट कर सकते हैं, जिसमें कि बहुत अच्छी मतलब पॉलिसीज़ बनाई गई हैं आपके लिए, जिसमें कि काफ़ी अच्छी तरीके से आपको हेल्प होगी। और देखिए फ्रेंड्स, इसका ना तो मुझे कोई खास NBFC नज़र आ रहा है कि किस NBFC के तहत कार्य कर रही है, और ना ही मुझे कुछ नज़र आ रहा है। जैसे कि लोगों के द्वारा बताया भी जा रहा है कि इन लोन ऐप्स के ऊपर कार्रवाई हो रही है, लेकिन ये जो मैं आपको लोन ऐप बताने वाला हूँ, इस लोन ऐप के द्वारा भी आम व्यक्ति के साथ में उत्पीड़न किया है। इस लोन ऐप ने भी आम व्यक्ति को प्रताड़ित किया है। देखिए इनका जो देखिए साइड वगैरह, देखिए इनका कैसा साइड है, ईमेल ID वगैरह देखिए, मतलब क्या है ये, कुछ समझ नहीं आता है। इनका एड्रेस भी मैं श्योर हूँ कि 100% ये फेक ही होगा, जहाँ तक मुझे लगता है। आपको क्या लगता है आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ इनके रिव्यूज़ की तरफ, जो इनके रिव्यूज़ वगैरह इन्हें मिले हुए हैं। ठीक है, देखिए अब इनके जो रिव्यूज़ वगैरह मिले हुए हैं, इन भाई ने देखिए इनके इसके बारे में काफ़ी बताया हुआ है कि ये कैसी ऐप है, क्या है, प्रॉपर डिटेल में देखिए यहाँ पर इसने बताया हुआ है कि इसके बारे में, मतलब कुछ कंपनी के व्यक्ति हैं, कुछ इन्हीं के व्यक्ति हैं। तो टोटल अगर रिव्यू देखे जाएँ तो इनके देखिए ये बहुत सारे ऐसे रिव्यूज़ हैं इनके, देखिए बहुत नेगेटिव भी हैं, बहुत पॉजिटिव भी हैं, हर टाइप्स के हैं। लेकिन जहाँ तक उम्मीद है कि इसने सारे काम ज़्यादातर नेगेटिविटली किए हैं, जो हमारे पास में केसेस आए हैं उसके आधार पर अगर बात की जाए, और बाकी तो जिनके साथ में अच्छा किया है उन्हें पता होगा, बट मेरे हिसाब से तो किसी के साथ में कोई अच्छा किया ही नहीं है इसने। मेरे पास जो कंप्लेंट्स हैं वो यही है कि 15 दिन का लोन दिया, उसके बाद में अब्यूजिंग किया, उसके बाद में थ्रेट किया, उसके बाद में मान सम्मान को चोट पहुँचाई, उसके बाद में डेटा को पूरे तरीके से हैक्ट किया, और ना सेंशन लेटर ग्राहक को दिया मांगने पर भी, और ना प्रॉपर डिटेल्स दी ग्राहक को कोई भी। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, हम जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देखा जो हमारा आज का वीडियो है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि क्या यह चाइना ऐप है। तो देखिए आपको बता दूं, अभी तक इसका कोई ऐसी पुष्टिकरण नहीं है ये चाइना ऐप है, लेकिन इसकी हरकत दर्शाती है। तो अभी इसकी कोई ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट नहीं है कि चाइना ऐप है या कैसे है, और अभी ये प्ले स्टोर से भी रिमूव नहीं हुआ है। और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या इसने 1 मिलियन प्लस लोगों का डेटा चाइना में पहुँचाया है। तो देखिए, ऐसा अभी ऑफिशियली कोई पुष्टिकरण नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि शायद ऐसा हो सकता है, कोई कंफर्मेशन एग्जैक्ट नहीं है। और फ्रेंड्स, अगर आपकी नज़र में भी कोई ऐप है जो कि आपको लगता है कि वो प्ले स्टोर पर कार्यरत है और गलत तरीके से उसने कार्य किया है, जिससे कि हम हर एक व्यक्ति को बचा सकें, इसके बारे में सारी जानकारी दे सकें, इसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हर एक व्यक्ति को दे सकें, और जितना हो सके आप इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाइए, लोगों को बताइए इसके बारे में, जिससे कोई व्यक्ति इनके चक्कर में ना फंसे। और हमारा कोई नया भाई इस वीडियो को देख रहा है तो भैया, 7 दिन और 15 दिन वाली किसी भी लोन ऐप से आप लोन बिल्कुल ना लें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है।
तो बस आप लोगों को यही बताना था इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आपके अपने YouTube चैनल जय जनशक्ति को जरूर सब्सक्राइब करें। और किसी भी अफवाह से बच के रहें और गुमराह ना हों, क्योंकि देखिए जय जनशक्ति आपके लिए हमेशा करेक्ट इन्फॉर्मेशन लेकर के आता है। और ऐसी किसी ऐप को डाउनलोड ना करें, ऐसी किसी ऐप से लोन ना लें। अंत में आपको इसका नाम मैं बताता हूँ, देखिए इस ऐप का नाम है मोर रूपी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आप लोगों के साथ में अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।